नमस्कार दोस्तों, आइए बनाते हैं नारियल की स्वादिष्ट चटनी। और इसके लिए हमने ये फ्रेश कोकोनट लिया है, इसको छोटे पीसेस में कट कर लिया है एक कटोरी। और हमने थोड़ा सा भुना हुआ चना लिया है 2-2.5 चम्मच, और उतनी ही हमने मूंगफली भुनी हुई छिलके उतार कर लिए हैं। और एक मिर्च भी इसमें डालेंगे, थोड़ी सी धनिया की पत्ती है, और 8-10 करी पत्ता और थोड़ी सी अदरक है। तो इन सब चीज़ों को हम जार में डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे दही, लगभग 1 कटोरी दही डालेंगे, और थोड़ा इसमें पानी ऐड करेंगे। अब इसको अच्छे से हम पीस लेंगे। ये हमने रखा है और ये हमने चटनी पीस ली है, बहुत ही इसको बारीक पीसा है हमने। और अब इधर हमने रख दिया है फ्राई पैन, और इसमें हम मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। आप इसमें ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं, कोकोनट ऑयल डाल सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो वो डाल सकते हैं। इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच सरसों का दाना, इसे कड़कने तक हमें रखना है। चिटकने लगा है ये। फ्लेम को भी हमने ऑफ कर दिया है क्योंकि बहुत तेज है। इसमें 2 मिर्च हमने डाल दिया है, 2 मिर्च डाल दिया है। इसमें हम डालेंगे 1 पिंच हींग। फ्लेम अब फिर से बार ऑफ कर देंगे, और 5-6 करी पत्ता हमने डाल दिया है। अब हमारा ये तड़का तैयार हो गया है फ्राई करने के लिए चटनी को। अब चलिए इसे हम चटनी में डाल देते हैं। थोड़ा सा हल्का ठंडा हो चुका है ये। तो ये हमारी नारियल की चटनी बनके रेडी है। अभी इसमें हमें नमक ऐड करना है, अपने स्वादानुसार आप नमक ऐड कर सकते हैं। और ये चटनी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है। आप इसे डोसे के संग खा सकते हैं, और इडली के साथ में, या ऐसे ही आप खा सकते हैं। तो आप नमक स्वादानुसार मिला लें। तो दोस्तों, हमारी ये चटनी नारियल की बनके रेडी हो चुकी है, और इसे नमक को हम मिक्स कर लेंगे अभी। तो इस तरह से दोस्तों आप भी नारियल की चटनी बना सकते हैं। ये स्वादिष्ट नारियल की चटनी अगर दोस्तों आपको बनानी हो तो ज़रूर इस तरह से बनाइए, ट्राई करिए। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए। फिर से मिलते हैं, नमस्कार।